बिहार सरकार परिवहन विभाग के तहत एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आप जो है बस या मिनी बस जो है परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की अनुदान देगी। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस से फॉलो करने होंगे, पूरी डिटेल्स आपको जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी जो है बस या मिनी बस जो है परचेज करना चाहते हैं तो बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की अनुदान देगी। इसके लिए जो है आपको रोजगार भी मिल जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आगा जाने आने की जो है सुविधा भी जो है प्रदान हो जाएगी। तो इसके लिए जो है बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की अनुदान देंगी और इसमें जो है आप जो है बस या मिनी बस जो है खरीदेंगे तो आपको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें योग्यता की तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। लाभुक के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। लाभुक जो है सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होनी चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुजोग श्रेणी से एक से अधिक लाभुक जो है संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके लिए, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रशिक्षण प्रदान की जाएंगी वो 22 जुलाई से 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की जाएंगी। आप आवेदन जो है यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 तक कर पाएंगे। यहाँ पे जो है जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड वार एवं कोटी वार आवेदनों के आधार पर जो यहाँ पे वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा वो 27 अगस्त 2024 को की जाएंगी। और यहाँ पे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभों का जो चयन होगा वो 29 अगस्त 2024 को की जाएंगी। यहाँ पे स्वीकृत लाभों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए 3 दिनों के समय सीमा में आपत्ति आमंत्रण करने की तिथि 2 सितंबर 2024 होंगी। उसके बाद जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन जो होगा वो 5 सितंबर 2024 को की जाएंगी। उसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभों का चयन पत्र का जो वितरण होगा वो 6 सितंबर से 10 सितंबर 2024 तक की जाएंगी। उसके बाद बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जो समर्पित होगा वो 11 सितंबर 2024 से लगातार होगा। उसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुकों के खाते में जो है भुगतान जो है आवेदन प्राप्त के 7 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। तो आप भी अगर बस या मिनी बस परचेज करना चाहते हैं और 5 लाख रुपए तक की अनुदान लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जो है आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इस योजना का वो भी लाभ ले पाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।